नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मम्मा एंड बेबी पर। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी प्रेगनेंसी के दौरान सोने के सही तरीके के बारे में। वैसे तो आपको पता होगा, नहीं पता है तो चलिए आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे। तो देखिए, वैसे कुछ लोगों को पीठ के बल सोना बहुत ज़्यादा पसंद होता है, किसी को पेट के बल सोना बहुत पसंद होता है, कुछ लोगों को करवट सोना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो वैसे देखिए, प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग में तो आप कैसे भी सो जाओ, 3 महीने तक आप पेट के बल भी सो सकते हो कभी कभी, इससे प्रॉब्लम नहीं होगी। वैसे तो आपको नहीं सोना चाहिए क्योंकि इस समय भी आपके घर में एक छोटा सा नन्ना सा बच्चा तो है ही, लेकिन फिर भी यदि आप पेट के बल सोना चाहती हैं तो थोड़ी बहुत देर सो सकती हैं 3 महीने तक, लेकिन 3 महीने के बाद आपको कभी भी पेट के बल नहीं सोना चाहिए, नहीं तो इससे आपके बच्चे पे खतरा होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं प्रेगनेंसी के दौरान पीठ के बल लेटने के बारे में। तो वैसे बहुत सारे लोगों को पीठ के बल लेटने की बहुत ज़्यादा आदत होती है, टीवी वगैरह देख रहे हैं या फिर सो रहे हैं तो पीठ के बल बहुत ज़्यादा लेटे रहते हैं। तो यदि आपकी प्रेगनेंसी का 1 से लेकर 6 महीना चल रहा है तो इस समय तक तो आप बहुत ही आराम से पीठ के बल लेट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आपकी प्रेगनेंसी का 7वां महीना स्टार्ट हो जाता है तो उस समय आप कोशिश करें कि आप पीठ के बल बहुत कम ही लेटे, नहीं तो इससे आपको बहुत सारी प्रॉब्लम होगी, साथ ही साथ इससे आपके बच्चे के ग्रोथ पे भी असर पड़ेगा। इसलिए आपको ना तो पेट के बल लेटना है ना ही आपको पीठ के बल लेटना है। थोड़ी बहुत देर के लिए यदि आप पीठ के बल लेटना चाहते हैं तो लेट सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आप ज़्यादातर दाएं करवट या फिर बाएं करवट ही लेटें, क्योंकि इससे आपके बच्चे के ग्रोथ पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। कैसे पड़ता है चलिए जानते हैं। दोस्तों, जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी बढ़ती जाती है वैसे वैसे क्या होता है कि आपके बच्चे का विकास काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, आपका वजन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, इसके अलावा आपके गर्भाशय का आकार काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, मतलब कि सभी चीज़ का विकास होता है। और प्रेगनेंसी के 7वें महीने से क्या होता है कि यदि आप पीठ के बल लेटेंगे तो इससे आपको और आपके बच्चे को ठीक से ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगा, मतलब ब्लड सर्कुलेशन रुक जाएगा या कम हो जाएगा। तो इससे क्या क्या नुकसान होगा, सबसे पहले आपके बच्चे की बात करें तो आपके बच्चे के विकास पर असर पड़ेगा, क्योंकि यदि आपके बच्चे के शरीर में ठीक से ब्लड की आपूर्ति नहीं होगी, ब्लड सर्कुलेशन ठीक नहीं होगा तो आपके बच्चे को ठीक से ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, दूसरा आपके बच्चे के विकास पर असर पड़ेगा। इसके अलावा क्या हुआ कि पीठ के बल लेटने से आपका बच्चा ठीक से घूम नहीं पाता है, तो कई बार बच्चे उल्टा या फिर तिरछा भी हो जाते हैं केवल आपके ठीक से ना सोने की वजह से। इसके अलावा यदि आपके शरीर में ठीक से ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा तो क्या होगा कि आपके पीठ में बहुत ज़्यादा दर्द रहेगा, आपके कमर में बहुत ज़्यादा दर्द रहेगा। इसके अलावा बहुत सारी महिलाओं को बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है, इसके अलावा कुछ महिलाओं को इससे बवासीर की प्रॉब्लम हो जाती है, यानी कि पाइल्स की प्रॉब्लम हो जाती है। और आपको पता है पाइल्स कितना ज़्यादा कष्टदायक होता है, बहुत ज़्यादा पीड़ादायक होता है, तो आप बिल्कुल नहीं चाहोगे कि आपको प्रेगनेंसी के दौरान पाइल्स की प्रॉब्लम हो, तो इससे आपको ये प्रॉब्लम भी हो सकती है। इसके अलावा इससे आपको सांस लेने में भी दिक्कत हो सकती है। तो मतलब ये है कि पीठ के बल लेटने से आपको और आपके बच्चे दोनों को ही परेशानी होती है, दोनों को ही नुकसान पहुँचता है। तो अब उपाय क्या है, उपाय ये है कि आप दाएं करवट लेटिए या फिर बाएं करवट लेटिए। और सबसे अच्छा माना जाता है, जिसमें कि ब्लड सर्कुलेशन बहुत ही अच्छे से होता है, आपके बच्चे का विकास बहुत ही अच्छे से होता है, वो साइड है लेफ्ट साइड, यानी कि बाएं करवट। अगर आप बाएं करवट लेटते हैं तो इससे आपके बच्चे का विकास बहुत ही अच्छे से होता है, आपके बच्चे को अच्छे से ऑक्सीजन मिलता है, आपका बच्चा ठीक से हलचल करता है। और आपको भी जो परेशानी हो रही थी, जैसे कि सांस लेने में दिक्कत की प्रॉब्लम या फिर पेल्विक एरिया में पीठ में बहुत ज़्यादा दर्द की प्रॉब्लम और कब्ज वगैरह की प्रॉब्लम, इससे आपको छुटकारा मिलता है। अब मैं आपको कुछ टिप्स दूंगी जिससे कि आपको अच्छी नींद आए, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान अच्छी नींद आना बहुत ज़रूरी है। अच्छी नींद आएगा तो आपके बच्चे का विकास अच्छे से होगा, आपका माइंड शांत रहेगा और आप अच्छे से खाओगे पियोगे, तनाव मुक्त रहोगे, क्योंकि अच्छे से नींद नहीं आती है ना तो शरीर में बहुत सारी परेशानी होने लग जाती है, इसलिए अच्छी नींद लेना बहुत ज़रूरी है। तो अच्छी नींद के लिए आप क्या क्या तरीके अपना सकते हैं, पहला तो ये कि आप तकिए का इस्तेमाल करें। आप चाहें तो आप मार्केट से मैटरनिटी पिलो ला सकते हैं, ऑनलाइन भी मिल जाएगा, मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, आप चाहें तो वहाँ से मंगवा सकते हैं या फिर आप मार्केट से खरीद सकते हैं। तो मैटरनिटी पिलो ले आइए, क्योंकि जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी का समय बढ़ता जाता है तो आपको काफ़ी ज़्यादा दर्द होने लग जाता है, तो दर्द से आराम के लिए आप तकिए का इस्तेमाल कर सकती हैं। तो आप मैटरनिटी पिलो मंगवा लीजिए या फिर आप चाहें तो नॉर्मल जो तकिया होता है ना, आप उसका इस्तेमाल भी कर सकती हैं। तो यदि आपके पीठ में बहुत ज़्यादा दर्द है तो आप पीठ के पीछे तकिया लगा लीजिए, पेट में दर्द रहता है तो पेट के नीचे एक तकिया लगा लीजिए, और आप क्या कर सकते हो, दोनों घुटनों के बीच से लेके पांव तक एक तकिया लगा सकते हो, इससे भी आपको बहुत अच्छी नींद आती है और आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। तो पहला आप ये काम करो। दूसरा काम आपको क्या करना चाहिए, यदि गर्मी का मौसम है तो आप हल्के गुनगुने पानी से नहा के सोइए, इससे आप तनाव मुक्त हो जाते हो, आपका शरीर रिलैक्स हो जाता है और आपको अच्छी नींद आती है। इसके अलावा प्रेगनेंसी के दौरान नॉर्मली बहुत से महिलाओं को पेट से संबंधित बहुत सारे प्रॉब्लम हो जाती है, गैस की, एसिडिटी की, कब्ज की, तो इसके लिए आप क्या करो कि आप
रात का खाना जल्दी कर ले, मतलब ये कि सोने से कम 3-4 घंटे पहले आप अपना खाना कर लीजिए। ऐसा नहीं कि आपने खाना खाया और जाके सो गए, तो फिर इससे आपको पेट से संबंधित प्रॉब्लम होगी। तो खाना जल्दी कर लीजिए। इसके अलावा क्या करो कि रात का खाना ज़्यादा हैवी मत रखो। अगर हैवी खाना होगा तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी और आपको ठीक से नींद नहीं आएगी। और आपको एक ज़रूरी काम ये करना है, यदि आपकी प्रेगनेंसी का 7वां महीना शुरू हो गया है तो आप रात में सोने से पहले जो है हल्दी वाला दूध पीजिए। मैंने आपको पहले के वीडियो में भी बताया है कि प्रेगनेंसी के 7वें महीने से आपको हल्दी वाला दूध पीना चाहिए। तो आप क्या करो कि रात में हल्का गुनगुना दूध होना चाहिए, मतलब कि हल्दी वाला हल्का गुनगुना दूध होना चाहिए, उसको पी के सोइए। तो इससे आपको नींद बहुत अच्छी आती है, क्योंकि आपको दूध से बहुत सारे पोषक तत्व मिल जाते हैं और दूध आपके शरीर को रिलैक्स कर देता है और आपको बहुत अच्छी नींद आती है। और हल्दी क्या होता है कि ये भी आपके लिए फ़ायदेमंद होता है, इससे भी अच्छी नींद आती है और आपका इम्यून सिस्टम अच्छा होता है। हल्दी के बहुत सारे फायदे हैं, आपको पता ही है, ये दर्द में भी राहत दिलाता है। तो आप हल्दी वाला दूध पी के सोइए। और यदि आपकी प्रेगनेंसी का 1 से 6 महीना चल रहा है तो आप रात में बिना हल्दी वाला यानी कि केवल गुनगुना दूध पी के सो सकती हैं, इससे भी आपको बहुत अच्छी नींद आती है। इसके अलावा यदि आपके कमर में और पीठ में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है तो आप क्या करो कि आप सोते समय अपने घुटनों को थोड़ा सा मोड़ लो, मतलब कि किसी भी करवट आप लेट रहे ना, लेटने के बाद आप अपने घुटनों को थोड़ा सा मोड़ लीजिए और उसके बीच में तकिया लगा लीजिए। तो इससे आपको कमर में और पीठ में जो दर्द होता है उससे थोड़ा सा राहत मिल जाता है। तो आप ये तरीके अपना सकती हैं। बाकी यदि आपको बहुत ज़्यादा परेशानी है तो फिर आप अपने डॉक्टर से बात कीजिए। बाकी दोस्तों देखो, इस टॉपिक में मैंने पहले भी वीडियो बनाया है, तो कुछ महिलाओं का कमेंट आता है कि मैम रात में हम कैसे सो रहे हैं, हमें क्या पता। तो देखिए, आप जब जगे हो ना तब कोशिश करो कि आप करवट से सो। और यदि आप नींद में पीठ के बल सो गए हैं या फिर आप राइट साइड सो गए हो तो इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है कि आप इसके चक्कर में ज़्यादा ही टेंशन लेना शुरू कर दो। टेंशन नहीं लेना, लेकिन आप जगे हुए हो तो आप कोशिश करो कि आप बाएं करवट ही लेटो। तो आई थिंक कि आपको वीडियो पसंद आ गया होगा, आए तो लाइक कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, नमस्ते।